डाइट इज नंबर वन इन चेंजिंग योर बॉडी। आप कितनी भी कसरत कर ले, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आमिर खान ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन दंगल मूवी के टाइम में किया था। ऐसा उन्होंने क्या किया जो उनको फैट से फिट बना दिया? तो उनके डॉक्टर है निखिल धुरंधर, जो उनको डाइट प्लान दिए थे। तो आप सुनिए क्या बोलते हैं आमिर खान। अच्छा, मैं एक बहुत ही खास इंसान से आप लोगों को आज मिलाने वाला हूँ। उनका नाम है डॉक्टर निखिल धुरंधर, जो मेरे डाइटिशियन हैं। वो आ रहे हैं आज, अमेरिका से आ रहे हैं वो। तो जैसे ही वो पहुंचेंगे मैं उनको नीचे लेके आऊंगा और आप लोगों को मैं मिलाऊंगा। ही इज द पर्सन बिहाइंड माय वेट लॉस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दंगल मूवी में जो आमिर खान ने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उनका डाइट प्लान किया था, और एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिए और इस डाइट प्लान को आप भी फॉलो कर सकते हो। तो उनके डॉक्टर्स जो थे कुछ इस तरह का डाइट प्लान दिए थे, जो कि पहला डाइट प्लान था वेट लॉस के लिए और दूसरा डाइट प्लान था फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्ड करने। So the major challenge is not difficulty. The major challenge is to make somebody lose weight. So you have to eat less. At the same time, his requirement was he wanted to get muscles. So which you have to eat more. जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके डॉक्टर निखिल धुरंधर ने उनको दो टाइप के डाइट प्लान दिए थे, जो कि पहला डाइट था वेजिटेरियन डाइट, जो कि उनके वेट लॉस और फैट लॉस के लिए काम आया, जो कि 1700 से 1800 कैलोरी की था, और दूसरा डाइट प्लान था जो नॉनवेज था, वो 2100 कैलोरी के आसपास था। तो इस वीडियो में मैं आपको वेजिटेरियन डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा, जो कि वेट लॉस एंड फैट लॉस के लिए हेल्प की उनके उनके ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको फैट लॉस और मसल बिल्डिंग डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा। तो इस डाइट में उनको 7 से 8 मील लेना पड़ता था डेली, और कम क्वांटिटी में लेना पड़ता, लेकिन ज़्यादा मील उनको लेना पड़ता था। तो उनका मील नंबर फास्ट ये था कि मील नंबर पहला जो मॉर्निंग में होता था 6 बजे लेते थे, और एक प्रोटीन शेक लेते थे, और ये 25 से 27 ग्राम के आसपास होता था। तो उनका मील नंबर 2 में चलते हैं। उनका मील नंबर 2 था 7 से 7 बजे 15 मिनट में लेते थे, वो उपमा था। उपमा 50 ग्राम लेते थे, उसके साथ टोमाटो, उसके साथ कोरिएंडर और 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के साथ इसको बनाया गया था। तो उसके बाद मील नंबर 3 आ जाता है। मील नंबर 3 में वो लेते थे, जो कि 9:30 बजे लेते थे, 1 कप ऑफ टी विथ लिटिल मिल्क। उसके बाद मील नंबर 4 आ जाता है, वो 11:30 बजे लेते थे, और 100 ग्राम ऑफ पाइनएप्पल लेते थे, जो कि उनके डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, और एक प्रोटीन बार लेते थे, जो कि उनका प्रोटीन भी फुलफिल हो जाता था। तो मील नंबर 5 में चलते हैं। मील नंबर 5 बहुत ही सिंपल होता है उनका, वो मिक्स वेजिटेबल लेते हैं, उसके साथ साथ उनको कुछ रोटी, 2 रोटी लेते थे, और 50 ग्राम दाल और 50 ग्राम राइस लेते थे। तो ये नॉर्मल डाइट है जो कि हर घर में बनता है शायद, तो ये आप भी ट्राई कर सकते हो। और ये टाइमिंग होता था 2 बजे के आसपास। और उनका मील नंबर 6 जो होता था वो 5:30 बजे होता था शाम को, और उसमें कुछ मिक्स नट्स लेते थे, जो उनको हेल्दी फैट अवेलेबल करा देता था उनके बॉडी में। और उसके बाद वो मील नंबर 7 लेते थे, जो कि होता है वाटरमेलन, 200 ग्राम वाटरमेलन लेते थे। उसके बाद मील नंबर 8 में वो शाम को 8 से 10 बजे वही मिक्स वेजिटेबल के साथ साथ कुछ स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, उसके साथ 50 ग्राम दाल, उसके साथ 50 ग्राम राइस लेते थे। तो ये उनका आखिरी मील होता था, जो कि रात को लेते थे हम, जो कि डिनर बोलते हैं। तो ये था आज का वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम उनके बॉडी बिल्डिंग डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड गुड बाय।